चलो भी बच्चों, बेसिकली शुरू करते हैं। क्लास में मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। इस क्लास में मैंने पहले आपको पिछली क्लास जो थी उसमें यूज केस के बारे में बताया था, ठीक है? सभी बच्चों को राम राम, आ जाओगे सभी, ठीक है? जो थे शुभम, हाँ चलो तो यूज केस के बारे में बताया था तुमको, ठीक है? पिछली क्लास में पढ़ाया था यूज केस कैसे होते हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे बनाते हैं उनके बारे में समझेंगे हम, हमें यूज केस बनाने कैसे होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। जैसे मान लिया आपको एटीएम कार्ड है, एटीएम मशीन का बनाना है कि यूज केस सिंपल सा लेके चलेंगे। एक एटीएम मशीन है, ठीक है? आपको यहाँ पे कैसे केस सिनेरियो दिए जाएंगे वो समझ लेते हैं। बेसिकली आपसे कह दिया कि एक एटीएम मशीन है, उससे आपको विड्रॉ करना है अमाउंट, तो उसके लिए आपको एक यूज केस बनाना है एटीएम मशीन से विड्रॉ करने के लिए। तो आप किस तरह से बनाएंगे वहां पर? तो देखो, सबसे पहले आपको ये बताना है इसमें हमारे पास एक्टर क्या होगा, ठीक है? यूज केस हमारे पास क्या होगा वो आप बता सकते हैं, क्या क्या हमारे पास यूज केस बनेंगे, ठीक है? तो एटीएम मशीन से हमें पैसे निकालने, तो एक कस्टमर होगा, ठीक है, जो इसमें से अमाउंट निकालेगा, वो हमारे पास एज ए एक्टर का रोल प्ले करेगा, ठीक है? दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि हमारे पास यूज केस क्या होगा, यूज केस एक्टिविटी होती है, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो रिलेशनशिप बताता है हमारे पास एक्टर और यूज केस के बीच में। हम यूज केस डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ, ठीक है, जो हमारे पास एक्टर होते हैं वो हमेशा बाउंड्री के, सिस्टम बाउंड्री के बाहर रहेंगे, ठीक है, जो रेक्टेंगल बनता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया कि एटीएम से आपको पेमेंट विदड्रॉ करना, तो इसमें कितने पर्सन यूज होंगे बताओ? हाँ भाई बताओ, कितने पर्सन यूज होंगे? अगर एटीएम से पेमेंट निकालना है तो कितने पर्सन का यूज होगा? तो एक एक का ही जरूरी है, सही बात है? भाई जिसको निकालने वही जाएगा, तो एक्टर तो हमारे पास एक ही रहेगा, कस्टमर। तो देखो एक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एक्टर को डिनोट इस तरह से करते हैं, ये एक्टर को डिनोट करने का तरीका होता है। एक्टर है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास एक ये एटीएम मशीन हमारे पास यूज केस बना दिया यहाँ पर हमारे पास विड्रॉ करने के लिए, यहाँ से हम विड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास यूज केस को हम ओवल में डिनोट करते हैं। एक्टर जो होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इनकी कनेक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक सॉलिड लाइन का, ठीक है, जो रिलेशनशिप डिनोट करती है, इसको बोलते हैं कनेक्टर। ये एक्टर होता है, ये कनेक्टर होता है, ये यूज केस होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये एटीएम मशीन है जहां पे विड्रॉ का जो हमारे पास एक्शन है, एक्टिविटी है, वो परफॉर्म होगी। और कौन परफॉर्म करेगा? कस्टमर परफॉर्म करेगा, ठीक है? इसके बैक एंड पे भी एक चीज का यूज होगा, बैंक, ठीक है? किस बैंक से? क्योंकि एटीएम तो किसी बैंक का हो सकता है, लेकिन अमाउंट जो है वो आपका अकाउंट जिस बैंक में, वहीं से डिटेक्ट होगा, तो वो भी इसमें एक रोल प्ले करेगा बैक एंड में। तो आप बैक एंड के लिए एक यहाँ पे डेटाबेस बना देते हैं कि ये बैंक का डेटाबेस है, ठीक है? डेटाबेस को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, वो हमारे पास अलग से होगा, थर्ड पार्टी हो सकता है, सेम जिस बैंक का एटीएम है उस वो भी बैंक अकाउंट उसमें, बैंक में भी हो सकता है, किसी दूसरे में भी हो सकता है, तो इनको भी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये सिस्टम है, ये मतलब हमारे पास एटीएम है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये विड्रॉ है, ये इसको बोलते हैं यूज केस। यूज केस हमेशा ओवल में लिखे जाते हैं। ये एक्टर है, एक्टर जो है हमारे पास ये है, एक्टर जो है ये कस्टमर है जिसको अमाउंट विड्रॉ करना है, और इसको कनेक्टर बोलते हैं हम। ये रिलेशनशिप सॉलिड लाइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पास। अब समझ लेते हैं एक, ये तो यूज केस सिंपल सा यूज केस बन गया। ऐसे ही मान लिया एक दूसरा यूज केस लेते हैं, वो बनाना है आपको।
यूज केस एक्टिविटी बताता है, बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि हमारे पास जो यूजर है वो सिस्टम के साथ किस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम से उसकी क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, बिजनेस से उसकी क्या रिलेशनशिप है, ये बताता है। तो मान लिया, अब जैसे बैंक के बारे में बात कर रहे, तो हम एक और बैंक का लेते हैं जिसमें हम मान लिया बैंक में आपको जो है बैंकिंग ऐप बनानी, अकाउंट ओपन करना, पैसे विड्रॉ करने, पैसे जमा करने, उसके बारे में बताना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है मान लिया हमारे पास दूसरा है बैंकिंग ऐप बनानी है आपको, तो बैंकिंग ऐप का यूज केस बनाना है, कैसे आप बनाएंगे वो देखना। तो बैंकिंग ऐप में एक कस्टमर होगा, ठीक है, जो कस्टमर क्या करेगा, बेसिकली अकाउंट ओपन करवाएगा पहले, और फिर उसमें अमाउंट जमा करेगा अपने अकाउंट में और निकालेगा, ये काम करने। तो यहाँ पे जो एक्टर होगा, एक्टर हमारे पास ये हो गया, ठीक है भाई। एक्टर कौन होगा, ठीक है सर, एक्टर कौन है, कस्टमर जो है हमारे कस्टमर पास, है। ठीक है। तो ये मान लिया हमारे पास कस्टमर है, ये कस्टमर जो है वो एक्टर का रोल प्ले कर रहा। अब जो ऐप है, ऐप हमारे पास यूज केस में यूज होगी, ये हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम जो बिजनेस सिस्टम है वो ऐप है। ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। रेक्टेंगल एक सब्जेक्ट डिनोट करता है, सब्जेक्ट को रेक्टेंगल में, वो मतलब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, बैंकिंग ऐप, ये पूरी बैंकिंग ऐप है। इस बैंकिंग ऐप को जो यूज कर रहे हैं वो हमारे पास कस्टमर है, वो एक्टर होंगे, ठीक है। अब देखो बैंकिंग ऐप जो है उसमें अकाउंट ओपन करवाना, तो हम यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म, एक यूज केस लिखेंगे कि ओपन करना हमें अकाउंट, ओपन अकाउंट नाम का एक यूज केस बना लिया। तो ये जो कस्टमर है ये एक्शन कनेक्ट होगा इसका ओपन अकाउंट से। अब देखो ओपन अकाउंट हो तो जाता है डायरेक्टली आप ऐप से कर लेते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आपकी केवाईसी नहीं होगी। केवाईसी चाहे आप ऑनलाइन करवाओ, वीडियो केवाईसी से करवाओ, या ऑफलाइन करवाओ, तो आपको एक बैंकर से कनेक्ट होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपन अकाउंट में रोल प्ले करेगा एक एक्टर और होगा, एक्टर हमेशा रेक्टेंगल से बाहर ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक्टर है, ये हमारे पास बैंकर है, ठीक है, कोई भी बैंकर है जिसको करवाना। तो अकाउंट ओपन हो गया आपके पास, अब क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने हमें भाई, डिपॉजिट करना है और विथड्रॉ करना है, डिपॉजिट फंड, ठीक है, और विड्रॉ फंड, विड्रॉ फंड, ठीक है, ये दो हैं। तो ये एक्शन कौन करेगा, ये भी ऐप से ही डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट करना, ऑनलाइन विड्रॉ करना हमें, मतलब ट्रांसफर करना किसी दूसरे में। अब देखो मान लिया जैसे ही हम डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा वो अपडेट होगा, अपडेट बैलेंस, मतलब आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें बैलेंस को आप अपडेट करेंगे। और जब भी आप डिपॉजिट करेंगे ये नेसेसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है कि बैलेंस अपडेट करना, चाहे आप पैसे डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो। तो जब हम डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड है, नेसेसरी है ये फंक्शन कॉल होना, मतलब ये डिपॉजिट का एक फंक्शन बना हुआ है, एक फंक्शन अपडेट का, तो डिपॉजिट वाला फंक्शन अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करेगा ही करेगा, विड्रॉ वाला फंक्शन अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इनको हम इंक्लूड रखेंगे इस तरह से, डॉटेड लाइन से हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, डॉटेड, और इस तरह से ये जो भी डॉटेड लाइन है ये हमारे पास यूज करी जाएंगी स्टेरियोटाइप रिलेशनशिप के लिए यूज होती है। स्टेरियोटाइप रिलेशनशिप जो होती है बेसिकली क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसी दूसरे, उससे यूज करके एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है उनके लिए यूज करी जाती है। और जब भी इंक्लूड या एक्सक्लूड की चीजें होंगी तो वहां पे स्टेरियोटाइप रिलेशनशिप हम बताएंगे। जो इंक्लूड होंगी दोनों में ये मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी इंक्लूड के लिए ऐसे डबल साइन लगाएंगे, लेस देन, और यहाँ पे इंक्लूड लिखेंगे, ठीक है, और इसको बंद करेंगे यहाँ पे, ऐसे इस पे भी करेंगे, यहाँ पर भी इंक्लूड,
ठीक है। और इसको बंद, एक है हमारे पास कि आप फंड डिपॉजिट कर रहे हैं, आपने अगर मान लिया एक साथ 1 लाख से ज्यादा फंड डिपॉजिट किया तो आपको कुछ बोनस दिया जा रहा है मान लिया बैंक की तरफ से, वो बोनस मैंडेटरी नहीं, आप कम करोगे तो नहीं मिलेगा, ज्यादा करोगे 1 लाख या उससे ज्यादा उस पर आपको कुछ बोनस दे रहा है। तो यहाँ पे हमने बोनस कितना मिलेगा वो आप कितना अमाउंट जमा कर रहे हो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ बोनस को, ठीक है। तो ये बोनस आपके पास आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या बोनस ही लिख लेते हैं, कैलकुलेट बोनस लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये बोनस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्कीम पे बैंक की डिपेंड करता है या आप पर्टिकुलर अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उस पे करता है। तो ये भी हमारे पास इस तरह की, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, इंक्लूड वाला मैंडेटरी होता है और यहाँ पे जो मैंडेटरी नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको ऐसे लिख देंगे एक्सक्लूड। तो ये आपके पास एक बैंकिंग ऐप का यूज केस डायग्राम बन जाते हैं, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। जी सर, इसी समझ में आ गया भाई। हाँ जी सर, अब जैसे मान लिया आपको एक डायग्राम बनाना है, शॉपिंग ऐप है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आपको, उसके बनाना, मान लिया हमारी ऐप है आपको बुक खरीदनी है, ठीक है, तो उसका आपको बनाना है एक ऐप बनाना, तो किस तरह से बनाओगे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का। तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, तो ऐप में क्या क्या फंक्शनैलिटी होंगी वो आप रखेंगे बेटा एक स्क्वायर के और रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है उसमें आपने बना दी। ऐप को यूज कौन कर रहा है यहाँ पर, ऐप को यूज करने वाले कोई कस्टमर है मान लिया, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है उस पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना जैसे अमेजन की है, फ्लिपकार्ट की है, उस तरह से आपके पास ये कस्टमर है। कस्टमर किसी भी टाइप के हो सकते हैं भाई, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे किस तरह के कस्टमर हो सकते हैं, एक तो जैसे आप अमेजन देखते हो उस पे प्रीमियम कस्टमर भी है, नॉर्मल कस्टमर भी है, कुछ डायरेक्ट मेंबर होते हैं किसी उसके, जैसे प्रीमियम मेंबर होते हैं, कोई मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। शॉपिंग ऐप पे कस्टमर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, कुछ खरीदने वाले कुछ बेचने वाले। तो हम एक कस्टमर बना लिया हमने और एक सेलर बना लिया, ये दो हमारे पास एक्टर हैं, एक सेलर जो अपना प्रोडक्ट बेचेगा और एक कस्टमर, ये हो गया। और एक इस जो ऐप का एडमिन है जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है वो बैकएंड पे काम कर रहा है, इधर हमने वो बैकएंड पे बना दिया, ये हमारे पास एडमिन है, ठीक है। तो ये तीन है, कस्टमर की कैटेगरी आपको डिफाइन करनी तो आप कर सकते हो कि मेंबर और नॉन मेंबर कस्टमर है। अब देखो क्या होगा कि जब भी आपको कोई ऑर्डर करना होगा तो ऑर्डर करोगे तो आपको लॉगिन करना पड़ता है बेसिकली, बिना लॉगिन के तो आप ऑर्डर करेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारे पास होगा क्या करना, तो लॉगिन के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन सभी को करना है, चाहे वो हमारे पास कस्टमर हो, चाहे हमारे पास सेलर हो, चाहे एडमिन हो, वो सभी के लिए लॉगिन करना जरूरी है, मैंडेटरी हो जाएगा। तो हमने एक लॉगिन का यूज केस बनाया है यहाँ पर, तो लॉगिन जो है हमारे पास चाहे एडमिन हो उसको भी करना है, ठीक है, या कोई और हो उसको भी करना। कस्टमर के बारे में बात कर लेते हैं, कस्टमर क्या क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने के लिए उसको लॉगिन भी करना पड़ेगा। मान लिया उसने ऐप ओपन करी, ऐप ओपन करके जैसे हमारी ऐप है बिना वेबसाइट है, मान लिया वेबसाइट पे आप देखते हो बिना लॉगिन किए ही आप जा सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, लेकिन जैसे परचेज पे क्लिक करोगे वो लॉगिन मांग लेगा पहले। तो मतलब ऑर्डर करने के लिए आपको लॉगिन करना जरूरी है, तो मैंडेटरी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इंक्लूड का साइन लगा दिया कि भाई ये आपको करना है, ठीक है, ये इंक्लूड हो गया, ऑर्डर आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है बेसिकली, ऑर्डर के साथ साथ मान लिया आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप कैंसिल करोगे, तो कैंसिल भी लॉगिन करके ही करोगे क्योंकि रिकॉर्ड तो तभी रहेगा आपका, तो यहाँ पे लॉगिन कर, तो ये भी मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए, कैंसिल तभी कर पाओगे जब आप लॉगिन करोगे। आप जो है बेसिकली आपके पास ऑर्डर आ गया है, आपने ऑर्डर किया था, अब आपको वो रिटर्न करना,
तो रिटर्न की रिक्वेस्ट डालनी तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट को रिटर्न करना तो वो भी इंक्लूड की कैटेगरी में आएगा, लॉग इन करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एक्शन जो है कस्टमर यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। जब ऑर्डर करेगा ऑर्डर पे डिस्काउंट भी चल सकता है, कभी जैसे महाशिवरात्रि चल रही, महाशिवरात्रि का डिस्काउंट है तो आप बना सकते हो। जैसे आपके अगर क्वेश्चन में कहा गया कि ये फंक्शनैलिटी आपको देनी, तो उस फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट कोई मैंडेट ही नहीं है कि हमेशा डिस्काउंट मिलेगा, तो जो चीज हमेशा नहीं मिलेगी उसको एक्सक्लूड रखेंगे। तो इसके कनेक्टर हमारे पास ऐसे बनेंगे और यहाँ पे हम एक्सक्लूड लिख देंगे, ठीक है। अब सेलर है, सेलर को क्या करना है, सेलर को जो है अपना प्रोडक्ट अपलोड करके उसको स्टेटमेंट देखनी, क्या क्या उसका जो है सेल हुआ है, या रिपोर्ट निकालनी है उसको, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर की स्टेटमेंट देखनी है और पूरी रिपोर्ट देखनी है उसको, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यूज केस हमने बना दिए। इनको करने के लिए भी ये जो है सेलर को एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा, एडमिन पैनल में जाके तभी ये कर पाएगा। तो इसको हमने एडमिन पैनल के यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो एडमिन पैनल इसको मिलेगा एक सेलर को, उसके थ्रू करेगा और ये हमारे पास स्टेटमेंट या रिपोर्ट देख सकता है, ठीक है। सेलर एक एडमिन पैनल की तरह यहाँ पे काम करे, तो ऐसे ही बना लेंगे। अलग करना तो वो जो आपको फंक्शनलिटी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यूज केस बनाने का। मान लिया आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है। आपको बनाना है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम। एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना कि कुछ फंक्शन एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करवानी है, जैसे ऑर्डर करना, ठीक है। ऑर्डर करेंगे, खाना ऑर्डर करना आपको, फिर दूसरी एक्टिविटी आपने ऑर्डर किया खाना, फिर खाना खाया और फिर उसके बाद पेमेंट कर दिया आगे। ये तीन एक्टिविटी लेनी है, तो तीन एक्टिविटी हम यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो रेक्टेंगल में यूज केस के अंदर लिख देंगे कि ऑर्डर करना है हमें फूड, तो भाई रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाना तो ऑर्डर करना है, ठीक है। दूसरा ईट करना फूड, और तीसरा जो है पे करना है, पे फॉर फूड, ठीक है, जो आपने खाना लिया है उसके लिए पे। ये तीन एक्शन, अब इसमें तीन यूज केस बन गए। कौन करेगा, ऑर्डर करेगा, मान लिया एक कस्टमर है, कस्टमर करेगा यहाँ पे, एक कस्टमर है, ये हमारे पास एक्टर बन गया कस्टमर, ठीक है। कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर किसको करेगा, ऑर्डर करेगा ऐसे नॉर्मल लाइन लिखेंगे, एरो नहीं बनाना, ठीक है, बिना एरो के बनानी है, क्योंकि कनेक्टर है नॉर्मल, हमारे पास एसोसिएशन डिनोट करेगा, ये है हमारे पास। ऑर्डर करेगा वेटर को, एक वेटर और आ गया यहाँ पे, ठीक है भाई। जी अब ये वेटर आ गया, ये हमने लिख दिया वेटर यहाँ पे। अब इसके पास खाना आ गया, खाना आ गया तो ये क्या करेगा, खाना खाएगा, आएगा खाना खा लिया। अब खाना खाएगा तो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट करने जाएगा तो पेमेंट पर बिल काटने वाला एक बंदा बैठा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैशियर, वो भी एक कैसे बंदा है, कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, जो आउटसाइड जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास एक्टर काम करेगा, तो ये हमारे पास कैशियर है मान लिया। तो कैशियर जो है इससे कनेक्ट रहेगा जहां पेमेंट होगी उसके थ्रू। तो इस तरह से रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आप यूज केस बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने क्या क्या चीज मेन यूज करी। एक यूज हुआ हमारे पास एक्टर, यूज केस के क्या क्या एलिमेंट बने, एक्टर, एक्टर को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये एक्टर का सिंबल है। दूसरा हमारे पास हमने यूज किया इस तरह से ओवल में, ओवल में जो हम यूज कर रहे हैं ये इनको बोलते हैं यूज केस। यूज केस में एक्टिविटी लिखी जाती है, एक्टिविटी यानी जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आपके फंक्शन है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा हम ये वाला एरो यूज कर रहे हैं, इस वाले एरो को बोलते हैं एसोसिएशन टाइप की, एसोसिएशन या कनेक्टर,
ठीक है, एक कनेक्टर है जो रिलेशनशिप बताते हैं एक्टर और यूज केस के बीच की रिलेशनशिप, इनसे डिनोट करी जाती है। ठीक है, एक हमने यूज किया था इस तरह से इंक्लूड, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यदि किसी दूसरे फंक्शन को, यानी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो मैंडेटरी है कॉल करना, तो इंक्लूड का यूज करेंगे और उनके बीच में डॉटेड टाइप का एरो लगाएंगे। अगर ऑप्शनल है कॉलिंग करना, ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, कुछ केसेस में करी जाएगी कुछ में नहीं की जाएगी, तो वहां पे एक्सक्लूड लिखेंगे। ठीक है, उनके बीच में मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा लेकिन हर टाइम नहीं करेगा, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, उसको भी ऐसे डॉटेड एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं बेसिकली यूज केस डायग्राम, इस तरह से हम यूज केस बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाँ जी सर, इनकी आप प्रैक्टिस करना, और भी यूज केस बनाने की, जैसे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बना लेना, आप कैसे बनाते हैं, आप जो है किसी सुपरमार्केट का बना लेना, उसमें कैसे करते हैं, तो बना के आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको दिखाना, ठीक है, भेजना। तो फिर अगली क्लास में बाकी जो है चीजें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास।